गहलोत ने मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका विद्यायिनी के लिए लेख भी लिखा है। इसके अलावा वो बाला समाज नामक संगठन के जरिए शोषित वर्ग के लिए कार्य करते हैं। गहलोत ने 1962 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में की थी, जिसके बाद उन्हें संघ में नगर कार्यवाहक और मध्य प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने 1967 से 1975 तक भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध केमिकल श्रमिक संघ के सचिव के रूप में कार्य किया है। 1975 में उन्हें भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ग्रसिम इंजीनियरिंग श्रमिक संघ में कोषाध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1968 के दौरान हुए कामगारों के आंदोलन के चलते गहलोत को कई बार हिरासत में भी लिया गया था। वे भैरवगढ़ उज्जैन जिला में लगभग 10 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। वो भैरवगढ़ उज्जैन जेल में लगभग 10 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। वहीं 1975 में हुए आपातकाल में भी उन्हें भैरवगढ़ जिला जेल में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रखरखाव के तहत हिरासत में लिया गया था। गहलोत ने वर्ष 1977 से 1980 तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद वर्ष 1980 और 1993 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। इसके अलावा वो 1983 से 1996 तक भारतीय संसदीय संघ मध्य प्रदेश के सचिव की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। गहलोत ने 1996 में शाजापुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 1998 और 1999 में वे चुनाव में भी गहलोत जीते थे। बाद में वीपी बीजेपी संसदीय दल लोकसभा के लिए भी नियुक्त किए गए। 2000 तक वे कृषि समिति के सदस्य, साल 2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति के सदस्य नियुक्त हुए। वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बाजी मारी थी। 2012 में गहलोत राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2014 को उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बनाया गया था और 2018 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुना गया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।